तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सुरजीत दे बाई की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने अपनी रिसेंट अपडेट को शेयर कर दिया एंड इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस साल कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में। तो अब आप इनकी रिसेंट अपडेट को देख सकते हो। इस अपडेट में आप इनकी ओवरऑल फिजिकल अपडेट तो नहीं देख पाओगे पर आप इनकी बाइसेप्स चेस्ट एंड शोल्डर की कंडीशन को देख सकती हो। बहुत ही इंप्रेसिव दिख रहे हैं एंड चेस्ट में थोड़े थोड़े फाइबर्स भी विजिबल हैं। इसके बाद में आप इनकी बैक पर भी फोकस कर सकते हो। बैक भी बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है। एंड बात करें इनके लेट्स की तो वो बहुत ही वाइड दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सुरजीत भाई की इन अपडेट्स को देखकर तो लग रहा है कि इस साल के सेरू क्लास में बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर होने वाले हैं ये। आपने तो इनकी ये फिजिकल अपडेट देख ली। ऐसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि इस साल के सेरू क्लासिक में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे आईएफबीबी प्रो भवन चौहान बाइक की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने अपनी बैक की एक छोटी सी अपडेट हमारे साथ शेयर कर दिया जिसमें आप इनकी प्रेजेंट टाइम की बैक की कंडीशन को नोटिस कर सकते हो। इस अपडेट में भवन बाइक की बैक पहले से बिगड़ लग रही है साइज में। एंड बात करें थिकनेस की तो भाई वो ऑन पॉइंट है जिसे आप इनके बैक डबल बाइसेप्स पोज में देख सकते हो। और हाँ भाई इस पोज को करते हुए आपने भवन बाइक को काफी दिनों के बाद देखा होगा क्योंकि ये इस पोज के साथ बहुत ही कम अपडेट शेयर करते हैं। तो गाइज आपने इनकी ये फिजिकल अपडेट देख लिया, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोसो के बारे में। तो दोस्तों ये कॉम्पीट करने वाले हैं टोरंटो प्रोसो में जो 6 वीक के बाद है। तो देखते हैं यहाँ पर भवन भाई कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं एंड इनके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। क्या भवन चौहान भाई इस प्रोसो को जीत कर क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिया के लिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई एजान आलम भाई की तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि एजान आलम भाई जल्दी किसी कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली इन्होंने बता दिया कि किस कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करेंगे। तो दोस्तों ये कॉम्पीट करेंगे डीआर फ्लेक्स क्लासिक में जो आज से 8 दिन के बाद है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एजान आलम भाई कैसी फिजिक डिस्प्ले करते हैं एंड इसके बाद में आप इनके लिए कमेंट में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। तो दोस्तों इनके बाद में मैं आपको मिलाना चाहूंगा मेंस फिजिक के न्यू एथलीट से। तो दोस्तों इनका नाम है शुभम कांडू। आई होप मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया है। तो फ्रेंड्स इस साल कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में एंड इस वीडियो के अंदर आप इनकी 8 वीक आउट वाली अपडेट को भी देख सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि शुभम भाई का मिड सेक्शन बहुत ही इंप्रेसिव है, चेस्ट एंड शोल्डर में फुलनेस भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों इन अपडेट्स में शुभम भाई का मेंस फिजिक कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया शेप लग रहा है। एंड गाइस जब इसी बॉडी शेप के ऊपर थोड़ा सा मसल मास एड और करेंगे तो भाई मेंस फिजिक डिवीजन में बहुत ही खतरनाक एथलीट बन जाएंगे। तो आपने इनकी अपडेट देख ली। इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है खुराई लखपा की तरफ से। तो दोस्तों ये वन डे आउट हैं एनपीसी चैंपियनशिप मणिपुर से और ये इनकी लेटेस्ट अपडेट है जिसमें आप देख सकते हो खुराई लखपा कितने खतरनाक दिख रहे हैं। बात करें कंडीशनिंग की तो भाई टॉप नॉच है एंड ओवरऑल बॉडी ह्यूज है, खासकर इनके लेग्स जो भाई जो बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। फाइबर्स भी इनकी बॉडी में विजिबल है एंड फुलनेस भी ऑन पॉइंट है। तो दोस्तों इनकी इस बॉडी कंडीशन को देखकर हम डेफिनेटली कह सकते हैं खुराई लखपा भाई को यहाँ पर कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। तो इनके बारे में आपके क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके बाद हम बात करेंगे सौरभ सिंह राजपूत भाई के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि सिंगा भाई एक पावर लिफ्टर है इंडिया के एंड अब इन्होंने पावर लिफ्टिंग को छोड़कर बॉडी बिल्डिंग में कमबैक किया है एंड इस पोस्ट को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में भी लिखा है बॉडी बिल्डिंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर मेंस ओपन डिवीजन में कॉम्पीट करेंगे। इसके बाद में आप इनकी इस फिजिकल अपडेट को भी देख सकते हो जिसमें ये साइज के मामले में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे पर भाई यहाँ पर इनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है और इसे कम करने में बहुत ही हार्ड वर्क लगने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं सिंगा हमें कब तक अपने एप्स वाली बॉडी को दिखाते हैं। इनके बाद में हम बात करेंगे बिलाल अली भाई के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आपको ये तो पता है कि साले कॉम्पीट कर रहे हैं पिट्सबर्ग प्रोसो में। तो मैं आप सभी के लिए इनकी 3 वीक आउट वाली अपडेट लेकर आ गया हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि अली भाई कितने फील्ड कंडीशनिंग में एंड मिड सेक्शन रेजर एंड शार्प है। इसके बाद में आप इनकी बाइसेप्स एंड शोल्डर की कंडीशन को भी देख सकते हो भाई ह्यूज लग रही है, चेस्ट में भी बढ़िया साइज पुट ऑन कर लिया है। तो दोस्तों अली बिलाल भाई की इन अपडेट्स को देखकर तो लग रहा है कि इस प्रोसो को ये आसानी से ही जीत जाएंगे। तो इनके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे क्योन पियर्सन के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने एनपीसी वर्ल्ड वाइड स्वीडन वाले बॉडी बिल्डिंग शो में गेस्ट पोजिंग की है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।